हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड बेक विद कविता। आज मैं लेके आई हूँ सिंपल एंड इजी क्यूकुम्बर सलाद विद ग्राउंडेड कोकोनट पेस्ट। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है फॉलोड बाय एंसेस्टर एट मैंगलोर। ये सलाद स्पेशली हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन बनाया जाता है। इन मैंगलोर हार्वेस्ट फीस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फीस्ट ऑफ ब्लेसिड वर्जिन मेरी विच फॉल्स ऑन सेप्टेम्बर 8th, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन मैंगलोर एज मोंटी फेस्ट। This feast is celebrated with great honor by the Mangalorean Catholics in and around Mangalore, and this is also called in Mangalore as a Toshashikaram. I'm proud to say that this recipe is requested by one of my viewers. Thank you, sir, for believing in me and giving me support. ये शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ मैंने दो क्यूकुम्बर पील करके राउंड शेप में तीन स्लाइस किया है। इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी ड्रेन होने के लिए 10 मिनट तक स्लैंट करके रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में एक मिक्सचर जार में 1 कप ग्रेटेड कोकोनट और उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून मस्टर्ड और 2 हरी मिर्च। इस डिपेंड ऑन आपको कैसा तीखा चाहिए व नहीं चाहिए ऐसा। और इसमें डालेंगे एक स्मॉल पीस ऑफ टैमरिंड, दैट इज इमली, और उसी के साथ जाएगा आधा इंच अदरक और एक छोटा साइज का ऑनियन प्याज। इसी के साथ ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको कोस ग्राइंड करेंगे। स्मूथ पेस्ट की जरूरत नहीं है, ये सलाद के लिए वी नीड अ कोस ग्राइंड पेस्ट। कोकोनट और मस्टर्ड का पेस्ट रेडी हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। 10 मिनट हुआ है, क्यूकुम्बर से निकला हुआ पानी ड्रेन करेंगे, कैसा दिखाया वैसा कर लेंगे। कम्प्लीटली ड्रेन करना चाहिए और यहाँ फिर से हमको सॉल्ट नहीं डालना है। अभी हम ग्राउंड किया हुआ पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिलाएंगे। मैंने यहाँ तो 3 टेबलस्पून पेस्ट डाला है, आपको कितना चाहिए उतना ही आप डाल सकते हैं। रेस्ट यू कैन कीप इट इन द फ्रिज। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। अब हमारा क्यूकुम्बर सलाद इज रेडी, तो शाची कोरोम रेडी जलिया। ये सलाद आप रेगुलर यूज के लिए भी बना सकते हैं, मोस्टली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन ही बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई रहेगी, ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ डू लाइक और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। तुम कहीं तो शाची करो मचे रेसिपी बुरी लगली तर एक लाइक करा आणि तुमचे फीडबैक तशेंच तुमका दुसरी रेसिपी जाय तर कमेंट बॉक्सान बरया। तशेंत आमच्या सर मंगलोरकरांक ही रेसिपी शेयर करा। मुझे चॅनलाक सब्सक्राइब करूंक माफ विसरा नाकात। Do subscribe my channel. Thank you for watching.